नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में एक अनोखी शादी देखने को मिली है। यह शादी की रस्मों को कुछ इस तरीके से निभाया गया जो चर्चा का विषय बन गई, जिसके बाद पूरे शहर में इस अनोखी शादी को लेकर चर्चाएं चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। शादियों का सीजन चल रहा है, चारों तरफ शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही है। लोग उत्साह और उमंग में डूबे हुए हैं, और डूबे भी क्यों ना, शादी का मतलब ही उत्साह से है। और इन शादियों को यादगार बनाने के लिए लोग तरह तरह के नए तरीके खोज लेते हैं। अब ऐसा ही एक नायाब तरीका छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक पिता ने खोज निकाला, जिसका इम्प्लीमेंट भी किया गया। बस फिर क्या था, इस अनोखी शादी की चर्चाएं चारों ओर होने लगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले अवधेश पांडे अपनी बेटी की शादी में कुछ नया करना चाहते थे, यानी कुछ ऐसा जो कभी न किया गया। बस फिर क्या था, इसके लिए अवधेश पांडे ने एक अनोखी तरकीब ढूंढ निकाली और अपनी बेटी की शादी में राजस्थान से एयर बलून मंगवा लिया। ये बलून इतना विशाल था कि उसके लिए बड़े ग्राउंड की जरूरत थी। इसके लिए सेक्टर 7 दशहरा मैदान में शादी का आयोजन किया गया और देर रात एयर बलून दूल्हा और दुल्हन को लेकर आसमान में उड़ा। इसके बाद 70 फीट की ऊंचाई पर दुल्हन प्रीति और दूल्हा रवि ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। 29 जनवरी को हमने किया था और संभवतः पूरे छत्तीसगढ़ में पहला था, और आज 25 नवंबर को ये पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरा है। बेटा, हम लोग परी मानते हैं, और जब परी मानते हैं तो हमारा धर्म भी होता है कि हम परी का विवाह वरमाला आकाश और जमीन के बीच में करें। ये हमारी इच्छा हमने किया, और पांडे परिवार की ओर से हमने अपने आए हुए मेहमानों को 1001 पौधों का वितरण भी किया पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। मेरा नाम अवधेश कुमार पांडे, मैं बेला मार्केट में रहता हूँ, पांडे ट्रस्ट। वही इस अनोखी शादी को लेकर दूल्हा और दुल्हन भी काफी उत्साह में थे। उन्होंने बताया कि ये एक नया और अच्छा एहसास था। मेरा नाम रवि तिवारी है, जो मैरिज है प्रीति पांडे से हो रही है, जो सुपेला में रहती हूँ। मैरिज में कुछ नया समथिंग न्यू था, जो हॉट वेर एंड बलून था, उसमें हमने वरमाला एक दूसरे को डाला। कैसा एहसास लग रहा है? एहसास अच्छा है, कुछ नया है, देखने को भी नया, शहर के लिए भी और हमारे लिए भी नया। धरती और आसमान के बीच निभाई गई ये वरमाला की रस्म अब चर्चाएं बटोर रही है, और जो भी इस अनोखी शादी के बारे में सुन रहा है वो तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।